पूज्य स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर इस रूप में नेतृत्व करने वाली श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, केंद्र संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष और केंद्र में कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर श्री कृष्ण रेड्डी जी, संस्कार भारती के संगठन मंत्री श्री अभिजीत गोखले जी, आयोजन समिति के सेक्रेटरी एवं प्रज्ञा भारती के अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ऐसे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का जो मंत्री, छत्तीसगढ़ के वन विभाग के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ये सभी का जो मंत्री, बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये चार दिन के इस महाकुंभ में भाग ले रहे ऐसे सभी देवियों सज्जनों, और भाग्यनगर शहर में जो आयोजन समिति या स्वागत समिति जो बनाए हैं उसके भी सम्माननीय सदस्य इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित है, सभी को मेरा सादर वंदन। लोकमंथन एक कार्यक्रम से कहीं अधिक एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। इस एहसास, इस अनुभव शब्दों में कैसा वर्णन करें, सिंहावलोकन करना यानी शब्दों में रखना है। लेकिन ये चार दिनों में जो अनुभूति हम सभी ने जो पाया, हमको जो मिला, ये शब्दों में वर्णन करने लायक नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति वह है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। विख्यात लोक विचारक वासुदेवशरण अग्रवाल जी हमेशा जो कहते रहते थे, लोक संबंधित बात कहने के समय, ये त्रिकालातीत है लोक, ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य भी है। ये प्रकार से इसको अनुभव में लाना है तो मैंने जो पहले बताया, एक आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। आज के आधुनिक काल के जो एक लोक ऋषि है भोपाल के श्रीमान कपिल तिवारी जी, वो लोक को डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं यह समकालीन एक प्रकार का सनातन है, कंटेम्पररी एटर्नल है लोक। ये शब्द सब सुन के आपको लगेगा ये सबके कैसे समझ सकते हैं। ये समझना है तो एक विशेष दृष्टि अथवा लोक दृष्टि की जरूरत है। सही में इस पूरा आयोजन उस लोक दृष्टि प्रदान करने के लिए एक वैचारिक मंथन शुरू से लेकर हम सुन रहे हैं, इकोलोकियम ऑफ नेशन फॉर थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, इस लक्ष्य को सामने रखकर कर रहे हैं। कला के माध्यम से, शिल्प कला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, इसके साथ साथ वैचारिक मंथन से इस अनुभूति लेने के लिए। और आदर महामहिम राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन भाषण में जो बताया था, उस अनुभव, हम सब एक है वो अनुभव, चाहे हम वनवासी हो, चाहे हम ग्रामवासी हो, हम नगरवासी भी होंगे, लेकिन इसके सब परे हम भारतवासी है, ऐसा उन्होंने जो बताया था, उस भारतवासी का जो एकता के अनुभूति लोक दृष्टि से हमको मिलते हैं, ये लेने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये केवल नूतन पाश्चात्य विद्या से, विखंडन के पाश्चात्य नूतन विद्या से ये लेना बहुत मुश्किल है। ये प्रकृति के पाठशाला से लेना चाहिए, प्रकृति से के पाठशाला से। हम सभी लोग सुने होंगे विख्यात लोक गायिका नांची अम्मा को
पार्श्व गायिका, सबसे श्रेष्ठ पार्श्व गायिका इस रूप में उनको अवार्ड मिला 3 साल पहले। उस समय बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार से ये कहां की गायिका है, कहां से उन्होंने गाना सीखा है, इस प्रकार का क्रूर सवाल उनके सामने खड़ा कर दिया था। उस समय इसके उत्तर के रूप में श्रीमती नानची अम्मा ने एक बात बताया था, हम लोगों को गाना सीखने के लिए किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां हम जीवित करते हैं वो घाटी में हजारों फूल खिलते हैं, उस फूल से, उस खिलने को देखकर, वो वर्ण देखकर हमने गाना सीखा है। जिस पर्वत के चोटी में हजारों पक्षियां उनके जो कलकूजनों से हम सभी को उठाते हैं, उस शब्द सुनकर हमने गीत सीखा है। इसका मतलब विश्व प्रगति के पाठशाला से ये लोक कला सीख सकते हैं, वो किसी स्कूल कॉलेज का विषय नहीं है, ऐसा लिखता है। चौथा लोक मंथन कई महीनों से खास था, स्पेशल था। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो उद्घाटन भाषण से लेकर इस समापन कार्यक्रम तक, औपचारिक उद्घाटन के पहले एक दिन पहले शिल्पाराम में आदरणीय भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी के द्वारा शुरू किए हुए वो सांस्कृतिक और बाकी जो कला कार्यक्रमों के एक्सीबिशन का जो इनॉग्रेशन से लेकर, इसमें भाग लेने वाले सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों के संख्या को लेकर, भारत के बाहर से आए हुए प्रतिनिधियों को भी लेकर, पहली बार लोकमंथन में आज के हमारे जो राजनीतिक भारत के बाहर के राज्यों से भी लोग भाग लिया था। ऐसे कई अर्थ में अगर देखा है तो इस लोकमंथन सभी अर्थ में एक खास कार्यक्रम है, एक प्रयोग था, ऐसा हमको देखने को मिलते हैं। मैं सीधा इसका जो वृत्त में प्रवेश कर रहा हूं, कुछ संख्यात्मक वृत्त आपके सामने रखना आवश्यकता है। इसलिए लोकमंथन के प्रतिनिधित्व अगर देखा है तो मैंने बताया भारत के सभी राज्यों, सुदूर उत्तर जम्मू काश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के जो राज्यों से प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बताया भारत के बाहर के देशों से, उदाहरण के रूप में लिथुआनिया से, आर्मेनिया से, सीरिया के यसीदी लोग, एक आधा दो प्रतिनिधि है तो भी नेदरलैंड से, मेक्सिको से, ताइवान, जापान, थाईलैंड, ऐसे 13 भारत के बाहर के देशों से भी लोक प्रतिनिधि इधर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस दृष्टि पर पहली बार लोकमंथन एक इंटरनेशनल लोकमंथन बन गया है, ऐसा बता सकते हैं। सामान्यतः एक लोकमंथन में अगला लोकमंथन कहाँ है, ऐसा एक सवाल कुछ लोग उठाते पूछते हैं, लेकिन एक लोकमंथन एक प्रकार के एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक जैविक एक प्रक्रिया, एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है, ऐसा ही ये इवॉल्व करते आते हैं। इसलिए जगह वगैरह एक लोकमंथन में घोषणा नहीं करते हैं, डिमांड्स आते हैं, केरल से डिमांड है, राजस्थान से डिमांड है, अगले बार कहां करना। आदरणीय संस्कृति मंत्री स्वयं उन्होंने बताया क्यों हमारे राजस्थान में अगले बार क्यों नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने भी पूछा। लेकिन अभी भारत के बाहर से देशों से आए हुए कुछ लोग हमको बताया क्यों ये इंडोनेशिया में क्यों नहीं कर सकते, लिथुआनिया में क्यों कर सकते हैं, हाउ कैन यू, हाउ, व्हाई कांट वी मेक इट एन इंटरनेशनल रियल अफेयर, ऐसा बताया। लोग यूनाइट, लोग सही लोग संस्कृति हमको एक करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, नहीं तो विश्वम एकम भवत्येक नीडम, ये सब कल्पना के आधार पर जीने वाले समाज वही है लोग। इसलिए ये कार्यक्रम कहीं पर भी रख सकते हैं, इस बार के अनुभव के आधार पर ऐसा भी लगता है। कुल पार्टिसिपेंट्स यानी ओपन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आए हुए, किसी संगठन से जुड़े हुए कार्य व्यक्ति केवल नहीं है, अन्य अनेक लोग आए हैं, 1502
प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे थे। जगह के कमी के कारण 1000 से कम करना है ऐसा सोचा था, लेकिन इस बार ये एक्सीड करके 1502 पार्टिसिपेंट्स। इस आयोजन के पीछे एक वैचारिक समूह का कार्यक्रम योगदान है। सभी वैचारिक समूह प्रज्ञा प्रवाह, प्रज्ञा भारती, संस्कार भारती, अधिवक्ता परिषद, इतिहास संकलन योजना, विज्ञान भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब मिलकर काम करते, ये कार्य करते हैं। सभी संगठन डेलीगेट करते हैं कुछ लोगों को इसमें आने के लिए, ऐसे लोगों को डेलीगेट्स करते हैं, ऐसे 74 लोग हैं अखिल भारतीय दायित्व देखने वाले। विशिष्ट अतिथि नहीं तो प्रतिष्ठित अतिथि लोग 40 लोग थे। कुल मिलाकर पहली बार सबसे ज्यादा कलाकारों का उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। कलाकारों की संख्या 1568। We also can't believe it in that way. That was the number which has been assembled in the Shilpa Kalaram for the presentation of Kalaru. ये भी आप देखिए, 150 art forms and the performances were 226. ऐसे कला के जो कार्यक्रम हुए। गत 4-5 दिन से ये शिल्पकला वेदिका और शिल्पकला आराम के परिसर पूरे केवल भाग्यनगर हैदराबाद से नहीं, इसके बाहर से जिला, बाहर के जिलाओं से भी लोग आकर एक प्रकार के इस परिसर एक कॉन्फ्लुएंस, एक संगम भूमि ऐसा बन गया था। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में अभी तक यानी ये रिपोर्ट तैयार करने के समय तक 210,000 प्रेक्षक लोग इस एग्जीबिशन और कलाकृति देखने के लिए आ चुके हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, हम संगठन के प्रतिनिधि लोग कहते नहीं, लोग कहते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भारत। भारत में जो है कल्चरल फेस्टिवल्स में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कुल मिलाकर 24 स्पीकर्स वक्ता लोग पार्टिसिपेट किया है। इसके पैरेलली कुछ विशेष कार्यक्रम भी हुआ। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भाग लिया, एक ग्रैंड नरेटिव फॉर द ग्रेटर भारत ऐसा एक कार्यक्रम हुआ, उसमें आमंत्रित 514 लोग पार्टिसिपेट किया है। कुल मिलाकर लोकमंदन में इनवाइटेड, मैंने इसमें प्रेक्षक लोगों को यानी विजिटर्स को नहीं जोड़ा है, वो तो मैंने बताया ऑलरेडी 210,000 है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले 4722 लोग हैं। इसके साथ एक तो कुटुंब प्रबोधन का, संयुक्त परिवार के सदस्यों का, केवल संयुक्त परिवार, दो से ज्यादा परिवार एक ही जगह पर एक शेयर्ड किचन, ऐसे परिवारों का लोगों को बुलाया था। कुल मिलाकर 2050 पार्टिसिपेंट्स थे उस कार्यक्रम में। ये भी पैरेलली चल रहा था, यहां बैठे हुए डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा समय ज्यादा हुआ, फिर भी ये रिपोर्ट इसलिए आप सभी के सामने रख रहा हूं। कुल मिलाकर पवेलियंस 87, इसका स्प्लिटअप में नहीं बता रहा हूं, इंक्लूडिंग 6 स्टेट्स 29 पवेलियंस, ओपन स्टॉल्स 40, ऐसे 87 पवेलियंस में अलग अलग प्रकार के कलाकृतियों के प्रदर्शन, खेल के प्रदर्शन, प्राचीन भारतीय परंपरा से बने हुए हमारे कुलिनरी हैबिट से बना हुआ आहार पदार्थों का प्रदर्शन से लेकर सब हुआ था। ये इस प्रकार के इस महान कार्यक्रम में राष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, 2 गवर्नर्स, उप मुख्यमंत्री, 6 स्टेट मिनिस्टर्स, 12 कुलपति, 8 भूतपूर्व कुलपति सहित बहुत सारे लोग, पद्म विभूषित सोनाल वानसिंह जी से लेकर कुल मिलाकर 11 व्यक्तियां पद्म अवार्ड मिले हुए, पद्म अवार्डी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे। लोकमंदन होने के पहले प्री लोकमंदन इवेंट्स पूरे भारत में 200 से ज्यादा प्री लोकमंथन इवेंट्स हुआ। इससे सबसे ज्यादा भाग्यनगर के परिसर में संस्कार भारती के द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, सीएसआईएस के द्वारा अनेक कार्यक्रम, 51 कार्यक्रम हुए।
ऐसे सिंहावलोकन करना प्रारंभ किया ही तो ये बताने के लिए एक घंटा पर्याप्त नहीं होगा। सबसे ज्यादा हम सभी को आनंद देने वाले जो एक विषय पूरे भाग्यनगर इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम इस रूप में लेकर यहां के मीडिया लोग इसको इतना ज्यादा पब्लिसिटी देकर एक प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। सभी वर्णन एक एक पवेलियन के बारे में एक्सिबिशन के जगह पर हुए कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए समय सीमित है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं। सब लोगों को एक दिशा यहां से मिले हैं। लोक दृष्टि के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, वो तो मिले हैं। इसको लेकर हम लोग अपने अपने जगह पर इस लोक कला, लोक संस्कृति, लोक विज्ञान, लोक विचार, लोक व्यवस्था, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने जगह पर काम करने से इस प्रकार का एक प्रण लेकर यहां से गए हैं तो इस लोकमंथन और अधिक सफल हुए ऐसा कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इस शब्दों के साथ मैं एक इस वृत्त निवेदन यहां समाप्त कर रहा हूं। वंदे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद कुमार जी।